साथियों, जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने एक मित्र और केन्या के पूर्व राष्ट्रपति राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोज मैरी का भी जिक्र करना चाहता हूं। रोज मैरी, आर यू हेयर? यस, शी इज देयर। रोज मैरी, वेलकम टू गुजरात। रोज मैरी की घटना बड़ी रोचक है, मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा। कुछ दिन पहले उनके पिताजी, मेरे बहुत अच्छे मित्र है, वो मुझे ओडिंगा जी दिल्ली मिलने आए थे। रविवार का दिन था और हम भी काफी देर बैठने का तय करके, क्योंकि कई लंबे अरसे के बाद हम दोनों मिले थे। तो उन्होंने मुझे रोजमेरी की जिंदगी में जो बड़ी मुसीबत आई, बड़ी अनेक प्रकार से वो भावुक हो गए थे। और रोजमेरी की जिंदगी की मुसीबत का बड़ा जिक्र करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि रोजमेरी की आंख में कुछ तकलीफ हुई थी और उसकी एक सर्जरी हुई थी, शायद उसको ट्यूमर का प्रॉब्लम था ब्रेन में और उसकी सर्जरी हुई थी। और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखें खो दी, वो देख नहीं पाती थी। आप कल्पना कर सकते हो, जिंदगी के इस पड़ाव में आंखें चली जाए, इंसान हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को छान मारा। केनिया के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनके लिए विश्व में पहुंचना कोई कठिन काम नहीं था। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ हो, लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापिस नहीं आई। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। आयुर्वेद का उपचार किया गया, और रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही हैं, जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे, वो पल उसकी जिंदगी की स्वर्णिम पल थी। मुझे खुशी है कि रोजमेरी भी आज इस समिट में हिस्सा ले रही है, उनकी बहन भी आई है, उसकी बहन तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में ही अब तो पढ़ा रही है।